अब बैटल हो रही होती है ब्लैक एटरनेटस की और नॉर्मल एटरनेटस की, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कालोस रीजन तबाह होते जा रहा था, जिसके बीच में एटरनेटस आ जाता है अपनी एटरनमैक्स फॉर्म में। तभी सब समझ जाते हैं कि एटरनेटस ये जानता था कि जितने भी लेजेंडरीज को एक बार ब्लैक आर्सियस देख लेता है वो उनकी कॉपी कर लेता है, मगर तब ब्लैक आर्सियस ने एटरनमैक्स नहीं देखा था और वो एटरनमैक्स बन जाता है, इसलिए वो अपने ब्लैक एटरनेटस को एटरनमैक्स में इवॉल्व नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसानी से एटरनमैक्स एटरनेटस को हरा देता है और फाइनली अब बैटल होती है लेजेंडरी वर्सेस लेजेंडरी। तो एक एक करके ब्लैक आर्सियस के सारे ब्लैक लेजेंडरीज आ रहे होते हैं, जैसे कि रिक्वेजा, कायो, ग्रे, और उसने अभी तक जायगार्ड को नहीं देखा होता है और उसकी तीनों फॉर्म को नहीं देखा होता है, और इसी बीच में नीचे अर्थ पर आ जाते हैं एक्सनीड और वाइवीटल भी, और फिर धीरे धीरे आगे बैटल बढ़ती रहती है। लेकिन वहाँ पे आ जाता है ब्लैक आर्सियस अपनी एक और कॉपी लेके, जो कि उससे थोड़ा सा छोटा था मगर शक्तिशाली बहुत ही ज़्यादा था, और फिर इतने ही बीच में ऐसा समझ जाता है कि अब ये सब आपस में बैटल करने में भिड़े पड़ा है, तो ये आर्सियस को छुड़ाने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है, वरना ब्लैक आर्सियस की कॉपी को और कोई नहीं हरा सकता। सो आर्सियस को भी वो हरा देता है अपने ग्रेनिंजा लुकारियो ड्रैगोनाइट की मदद से। ड्रैगोनाइट को वो आसमान में लेने जाने को कहता है ग्रेनिंजा और लुकारियो को, और उन दोनों को वो कर देता है मेगा बॉन्ड इवॉल्व, जो कि होता है सब कुछ होता है आर्सियस की ही मदद से, क्योंकि आर्सियस उन्हें अपनी पावर दे देता है दोनों पोकेमोन और अपने एश कैचम को। फिर इसके बाद वो दोनों हो जाते हैं एक बार फिर से मेगा बॉन्ड इवॉल्व, दोनों पोकेमोन एक साथ हो जाते हैं बॉन्ड इवॉल्व, और फिर वो आर्सियस को भी वहाँ से छुड़ा लेते हैं, और आर्सियस को छुड़ा के बाद सब पोकेमोन में फिर से एक नई ताकत आ चुकी होती है, क्योंकि आर्सियस के जाने के बाद धीरे धीरे पोकेमोन वर्ल्ड पर प्रभाव पड़ रहा था और सारे के सारे पोकेमोन कमज़ोर होते जा रहे थे, इसलिए वो ऑल ब्लैक पोकेमोन से हारते भी जा रहे थे। मगर जैसे ही आर्सियस उस केज से बाहर आता है तो सारे के सारे पोकेमोन्स में वापस से जोश आने लगता है और वो फाइट कर रहे होते हैं उन्हीं पोकेमोन से, और फिर धीरे 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 बैटल आगे ही बढ़ रही होती है। इतने ही बीच में आर्सियस हार ही रहा होता है ब्लैक आर्सियस की उस कॉपी से, इतने ही बीच में आर्सियस आ जाता है अपनी गॉड फॉर्म में, रिक्वेजा आ जाता है अपनी मेगा इवॉल्व फॉर्म में, और लेटियास और लेटियोस भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे और गुड लेजेंडरीज जो कि अर्थ पर रहते हैं वो सारे के सारे आने लगे थे, जिसको देखकर ऐश और उसके सारे कंपेनियंस भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, और इतने ही बीच में सेरेना मिस्ट्री और उसके सारे के सारे कंपेनियंस भी अपने पोकेमोन को बाहर निकाल लेते हैं उन सभी से बैटल कराने के लिए, और फिर ऐश सोचता है कि इतने पोकेमोन काफ़ी नहीं है, तो वो जाता है पोकेमोन सेंटर और अपने और पोकेमोन को मंगाता है, जिसमें होते हैं इन्फनेप, इनविज और सेप्टाइल और उसके सारे के सारे कांटो रीजन के पोकेमोन, हलोला रीजन के पोकेमोन, जोटो रीजन के पोकेमोन, होएन रीजन के पोकेमोन और सिनो रीजन के पोकेमोन। वो सब आके बैटल करते हैं उन्हीं सब ऑल ब्लैक पोकेमोन से, और वो सब ब्लैक पोकेमोन पर हावी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि ऐश ने उन सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे रही होती है। मगर इतने ही बीच में ग्लेली को, ऐश की ग्लेली को कुछ तीन चार पोकेमोन ब्लैक पोकेमोन घेर लेते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा जख्मी भी कर देते हैं, और इतने ही बीच में ब्रॉक आता है और ग्लेली को उठा के चले जाता है ट्रेसी के साथ उसको रिकवर करने हेल्थ को, और तब ब्रॉक समझ जाता है कि अब जितने भी पोकेमोन घायल होंगे मैं उनकी दोबारा से मेड किट लगाऊंगा, उनकी हेल्प करूंगा, फर्स्ट एड वगैरह करूंगा। तो ऐस इस सबको देखकर भी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास पोकेमोन को सही से उनकी देखभाल करने वाला भी कोई मिल गया था। तो सारे के सारे ऐश के कंपेनियंस ने भी अपने पोकेमोन्स निकाल लिए थे और फिर से लेजेंडरी बैटल में ध्यान देने लगा था ऐश, और फिर इसी के साथ साथ ऐश का टीम जीत रही होती है उन सारे पोकेमोन से, और फिर वहाँ पे फाइनली आर्सियस भी ब्लैक आर्सियस को हरा देता है, जिसके बाद अर्थ पर फिर से रोशनी ही रोशनी छा जाती है
और एक बार फिर से आरसीएस अपनी पावर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और इस सब के बाद आरसीएस नीचे आता है, सारे के सारे पोकेमोन से कहता है कि आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। और इसी के साथ साथ वो ऐश को एक स्पेशल पावर भी दे के जाता है, जो कि क्या होती है समझ में नहीं आती है, मगर फाइनली ऐश जीत चुका होता है एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एक लेजेंडरी बैटल्स ऑफ चैम्पियन लीग और एक लेजेंडरी एपिक बैटल ऑफ ब्लैक आरसीएस ब्लैक पोकेमोन वर्सेस गुड पोकेमोन एंड गॉड आरसीएस। सो यहाँ पे ऐश की बहुत ही ज़्यादा एपिक जर्नी का एंड दिखाया होता है, सब जा रहे होते हैं ऐश के पीछे पीछे और ऐश जाके एक जगह पे लेट जाता है। ऐश सोचता है कि इतना ही छोटा सफ़र नहीं बनाना मुझे, अभी जर्नी आगे भी जाएगी। और यहीं पे ये एपिसोड का डी एंड हो जाता है और ऐश फाइनली बन चुका होता है पोकेमोन मास्टर, मगर आगे क्या करना है उसे वो सोचते रहेंगे उसके कंपेनियंस के साथ साथ। और फिर यहीं पे ये पार्ट का भी एंड होता है। तर वहाँ पे नहीं होते हैं, वो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और उसको पीछे से जाके झप्पी लगाते हैं और उसे बताते हैं। और फिर यहीं पे एक एपिक एंड होता है पोकेमोन का, जिसमें हमें ऐश के फादर का फेस दिखाया है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये।